फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड का ही है 97652 डिवाइड बाय 35। अब आप मान लीजिए 27 का टेबल आपके याद है, 35 का टेबल नहीं याद, 47 का नहीं है, 216 का नहीं है, तो हम जब ज्यादा वाला जो डिजिट आ जाती है आपका जो है उसको मल्टीप्लाई का टेबल नहीं है तो कैसे करेंगे उसको, लेट अस सी। 97652 और डिवाइड बाय 35 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 3 है, 10 स्पेस में 3 है, इसका टेबल हम 9 को पढ़ेंगे। 3 का टेबल किसको पढ़ेंगे, 9 को। तो 3 जा कितने होते हैं 9। अगर हम 35 जा करेंगे, चेक करेंगे 35 जा, तो यहां आएंगे आप 35 जा 15, 33 जा 9 ओवर 10, 105 हो गए, 2 की से ज्यादा हो गए 97 से। तो आप क्या करोगे, 3 से 4 से नहीं करेंगे, आप 2 से करेंगे, तो 35 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 70। तो क्वेश्चन में आ गया 2 और यहां पे आ गया 7। अब इसको माइनस किया हमने तो 7 9 2 में से 7 के 2 रह गए 2। अब नेक्स्ट डिजिट आएगा हमारे पास नीचे दैट इज 6। अब दोबारा से वही 3 का टेबल 27 को, क्योंकि 2 को नहीं जाता 27 को, अब चेक करेंगे सिर्फ। कई बच्चे क्या करते हैं 3 9 27 या 9 लिख दो, तो आपका गलत है, हम चेक कर रहे हैं कि कितने से लगभग जाएगा। तो 3 का टेबल आपने 27 को बढ़ा तो 3 9 27 होता है, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लाई 35 by 9 करते हैं तो हमारे पास आता है 35 by 9 दैट इज 315 और हमारे पास है 276। तो 315 ज्यादा हो गया 35 9 जार, तो हम क्या करेंगे इसको 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से जब चेक किया 5 8 40 4 कैरी 3 8 3 4 4 28 280। तो 280 भी इसका ज्यादा हो गया। अब हम करेंगे 7 से चेक, 7 5 35 3 कैरी हो गया, 3 7 21 और 3 हो गए 24, तो हमारे पास आ गया इधर 245। तो यहां हम 245 से जाए गए, यहां देखते हमने 7 245 आ गया, इसको माइनस करके आ गया 31। नेक्स्ट आपके पास डिजिट है आपके 5 5 द्वारा। अब 3 का टेबल वैसे ही पढ़ोगे आप, 3 1 3 होता है, लेकिन 2 अंकों को पढ़ेंगे, 2 से करें 3 10 30 होते हैं, तो 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 आता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा, हमारे पास 15 है। जब हम इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने पहले भी किया है, इसको मिटाना नहीं है तो बाद में मिटाना है, या तो इसको ऐसे ही रहने देना है आप लोगों ने। तो जब हमने 35 9 किया तो आता है हमारे पास 315, तो 9 यहाँ आ गया, 315 यहाँ, ठीक है। 315 गए तो कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट इज योर 2। अब 2 ये 35 है, ये 2 है, 1 डिजिट है, 35 का टेबल इसको नहीं जाता है, तो आपने क्या किया यहाँ पे 0 लगा। अब आपने इसको चेक करना है आंसर कि आपने आंसर ठीक किया या नहीं किया, तो आप कैसे चेक करोगे, पहले ये समझिए कि किस चीज को क्या बोलते हैं। जिससे हमने डिवाइड किया उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो डिवाइड करना है उसको डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करके आता है हमारे पास उसको क्वोशेंट बोलते हैं, और जो नीचे रह जाता है जिसको डिवाइड नहीं होता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। तो अब वेरीफाई चेक कैसे करोगे, उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखना है आपने, डिविडेंड इज इक्वल टू क्यूसेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो क्यूसेंट आपके पास कितना है 2790, डिवाइजर कितना है 35 और रिमाइंडर कितना है 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2790 को 35 से, तो करते हैं 50 0 95 45। अब 45 है बंस प्लेस इसका नीचे आ जाता है, 4 इसका कैरी रहेगा, ठीक है। 5 7 35 35 में आपने 4 प्लस किया तो कितना आ गया आपके पास 39, 39 में से आपका 9 आ गया और कैरी हो गया आपके पास 3। 5 2 10 10 प्लस 3 हो गया आपके पास 13, तो आपने पूरे को पूरे ले लेना 13, इसमें कैरी नहीं रहेगा आगे क्योंकि आगे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब आपने 3 से मल्टीप्लाई करना 3 0 जार, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप 3 0 जार 0 यहां लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, आपने 10 स्पेस से करें तो 10 स्पेस के नीचे ही आपने इसको लिखना, और यहां पे आप या तो 0 लगाइए या तो मल्टीप्लाई का साइन लगाना। अब 3 0 जार
जीरो, थ्री नाइन जार 27, 27 का क्या आ गया पास 7, 7 काट दिया दे दिया हमने, 3 7 जार 21, 21 और 2 23, 23 का आ गया पास 3, कैरी कितना रह गया आपके पास 2, 3 2 जार 6, 6 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 8। अब हम इसको प्लस करें, 0 के नीचे 0, 5 जार 0 तो 5, 9 और 7 16, 3 3 6 और 1 कैरी हो गया तो हो गया 7, और 8 और 1 हो गया 9, तो आपके पास आ गया, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर 97,650 प्लस, इसमें एक क्या रह गया प्लस करने को रिमाइंडर, दैट इज 2। अगर हम 2 को इसमें प्लस कर देते हैं तो क्या आ गया, टू फाइव सिक्स सेवन नाइन, तो आ गया आपके पास 97652, जो कि आपका क्या है डिविडेंड। तो इस तरह से आपने वेरीफाई भी कर लिया क्वेश्चन, आपको पता लग गया कि ये क्वेश्चन ऐसे ठीक होगा, ठीक है, तो ये आपका मैच करना चाहिए डिविडेंड और ये वेरीफाई किया हुआ होना चाहिए।